सवाल ये, हैव यू एवर हिट एनीवन ऑपोजिट जेंडर? या, इफ यस एलैबोरेट। बताइए क्या हुआ था? सर जब कॉलेज में था, आई रियली लाइक द फीमेल। मैंने कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहा हूँ, मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया। तो व्हेन आई लव्ड अ गर्ल, आई एक्सपेक्टेड ओनली वन थिंग, लॉयल्टी। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी, और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, तो आई फाउंड आउट, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया, बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। या मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद यू, अगर वो वहां जाके चीट कर रही है, मे बी शी वाज फीलिंग थ्रेटन्ड बाय यू। नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल। वेट अ मिनट, हू आर यू? रुको जरा, सबर करो। जितने भी आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं, उनको आपको पीटना पड़ा या मारना पड़ा? चारों को, एक भी नहीं, चार। सर चार नहीं है, बहुत है। चार वो है जिनको मैंने मारा है। तो किसने कुछ कहा था? हाँ, कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो और कुछ भी बोल दोगे। कैसा लगा मारने के बाद, मजा आया था? हाँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। तो नेहा धूपिया जी के बारे में एक चीज खास ये है कि उनके मुंह में जितने पिंपल्स है उतना ही उनका IQ है, I mean 0। ये जो तू बोल रहा है ना कि उसने एक नहीं 5 लड़कों के साथ हाथ मिलाया, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। भले ही उसे करो ना हो, बट यू कैन टायर दैट पर्सन डाउन एंड से कि तुझे वायरस है, तू बाहर जाके फैलाएगी, तो आई आइसोलेट यू। यू कैन नॉट, एंड मे बी द प्रॉब्लम इज विद यू, तूने दिया हुआ उसको वायरस, चेक योरसेल्फ फर्स्ट। और अगर वो बाहर जाकर वायरस फैला रही है तो मे बी इट्स नॉट हर, इट्स हर मोरल वैल्यूज, उसको सोसाइटी ने सिखाया है शेयरिंग इज केयरिंग। वो बाहर गई बिकॉज मे बी यू वर नॉट प्रोवाइडिंग हर व्हाटएवर शी नीडेड। एक सैनिटाइजर और एक मास्क के कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 किडनी। एंड देन डोंट से कि तुमने उसे सब कुछ लाकर दिया, सुन मेरी बात, नोबडी गिव्स यू द हैकिंग राइट टू स्टॉप हर। वो वर्ल्ड टूर करेगी, रोक के दिखा तू। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर?